नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। तो आज मैं रेशमी विद्यार्थ फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो उसे देखिए और उसका आनंद लीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। नमस्ते। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है और सर्दियों में धनिया पत्ती तो बहुत ही ज्यादा बाजार में बिकती है। तो इस सर्दी में बहुत ही मशहूर धनिया पत्ती की चटनी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। इस चटनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस चटनी में ऑयल की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये बिल्कुल से हेल्दी चटनी है और साथ ही बहुत कम समय के अंदर बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट से फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए जो भी छोटे मोटे टिप्स दूंगी उसे फॉलो करें और आप भी इस लाजवाब चटनी को बना सकेंगे। तो इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब गैस ऑन करके फ्लेम को मीडियम कर दे और गैस के ऊपर एक छोटी साइज का टमाटर मैंने रख दिया है और इसे अब घुमा घुमा कर अच्छे तरीके से रोस्ट करें। फ्रेंड्स, इस चटनी को बनाने के लिए अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो बिना टमाटर दिए ही इस चटनी को बना सकते हैं। बिना टमाटर के भी ये चटनी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये टमाटर रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दे और गैस को ऑफ कर दे और तब तक इधर दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मोटा गुच्छा वाला धनिया पत्ती लिया है, इसे मैंने साफ पानी में वॉश कर लिया है। तो इसके पत्तियों को और नाजुक डंठल को काट कर एक दूसरे बर्तन में रखें और मोटे हिस्से वाले डंठल को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इसी प्रकार से सारी धनिया पत्ती को तोड़ तोड़ के अलग करें और मोटे वाले हिस्से को फेंक दे। तो अब इधर टमाटर भी काफी हद तक ठंडा हो चुका है, तो इसका जो ऊपर वाला लेयर है जो कि जल चुका है इसे हटा दे और मिक्सी के जार में टमाटर को मोटे मोटे टुकड़ों में काट डाले और फिर इसमें एक एक करके धनिया पत्ती डाले जिसे मैंने तोड़ के रखा था, 8 से 10 लहसुन की कलियां डाले, 2 हरी मिर्च के नीचे के डंठल को हटाकर इसे तोड़े और डाले। वैसे हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। 2 टीस्पून नींबू का रस डालें और आखिरी में स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे तरीके से इसे पीस लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल से स्मूथली चटनी पिस चुकी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अब कांच के सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी या नान के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। घर पे आए मेहमानों को सर्व करें, ये बहुत यमी लगते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।